मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसे कई घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक घटना सिंगरौली जिले के एनसीएल कॉल ब्लॉक के विनबिचुआ कोल माइंस में देखने को मिली, जहां एक बोलेरो वाहन अचानक बह गई। इस दौरान वाहन के चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए गाड़ी से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। मौके पर मौजूद एक अन्य वाहन चालक ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पानी का बहाव बेहद तेज था, जिसके चलते गाड़ी पूरी तरह से पानी में डूब गई। गाड़ी में सवार अन्य लोगों ने भी समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। इस हादसे के बाद बोलेरो वाहन खाई में जा गिरी, लेकिन सौभाग्य से घटना में कोई जन हानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार सोमवार को सिंगरौली जिले में मात्र एक घंटे की बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया, जहां 70 मिमी बारिश दर्ज की गई। एनसीएल कोल ब्लॉक के दुंदुचुआ कोल माइंस के शिफ्ट इंचार्ज पीएनसी और अपने सहयोगियों के साथ खदान क्षेत्र में मशीनों और कार्यस्थल का निरीक्षण करने निकले थे। वापसी के दौरान सड़क पर बहते बरसाती पानी के साथ पत्थर का एक टुकड़ा आ गया, जिससे उनकी बोलेरो तेज बहाव में फंस गई। जब पानी का दबाव बढ़ने लगा तो बोलेरो उल्टी दिशा में खिसकने लगी, तो गाड़ी में बैठे शिफ्ट इंचार्ज और अन्य लोग घबरा गए। हालांकि उन्होंने अपनी सूझबूझ नहीं खोई और बोलेरो को छोड़कर कूद गए। इसी दौरान पानी के तेज बहाव के कारण बोलेरो वाहन बह गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे देखने वाले सभी लोग हैरान रह गए।